पर भारत में पंचायती राज संस्थाएं निर्णायक भूमिका निभाती हैं। भारत में पंचायतों के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जिम्मेदारियां हैं और इन्हीं जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए पंचायतें बैठक का आयोजन करती हैं। गौर से देखा जाए तो बैठक से पंचायतों को कई तरह के लाभ होते हैं, जैसे जनसंचार, दिशा निर्देश, कार्य पर चर्चा, समीक्षा, सूचनाओं का आदान प्रदान, निर्णय लेना, नए विचार प्राप्त करना, विवादों का समाधान आदि। हालांकि पंचायत की बैठक प्रभावी व निर्णायक हो, इसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखा जाना आवश्यक है, जैसे बैठक की सूचना डुगडुगी, ढोल, ड्रम या लाउडस्पीकर से लोगों को पहले ही देनी चाहिए। ग्राम पंचायत अपने कार्यालय के सूचना पट पर नोटिस चिपकाकर या अन्य माध्यमों से भी आम जनता को बैठक के बारे में बता सकती है। ध्यान रहे कि बैठक की सूचना देने का काम कम से कम 5 दिन पहले से शुरू हो जाना चाहिए। इसकी सूचना ग्राम के प्रमुख स्थानों पर चिपकाना चाहिए। बैठक को सभी लोग गंभीरता से लें, इसके लिए आवश्यक है कि अध्यक्षता पंचायत का प्रधान ही करे। अगर सरपंच गांव से बाहर हो गया या किसी कारणवश पंचायत नहीं आया हो तो उपसरपंच की अध्यक्षता में ग्राम सभा की बैठक होनी चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है कि किसी विशेष समय में प्रधान व उपप्रधान दोनों ही अनुपस्थित होते हैं। ऐसे में दोनों की गैर हाजिरी में कौन बैठक की अध्यक्षता करेगा, ये पहले से ही तय हो जाना चाहिए। एक प्रभावी बैठक के लिए जरूरी है कि इसमें बड़ी संख्या में लोग उत्साह के साथ भाग लें, इसलिए बैठक में कम से कम 1/3 सदस्यों को हिस्सा लेना चाहिए। बैठक को फलदायी बनाने के लिए आवश्यक है कि संचालनकर्ता सामान्य शिष्टाचार का पालन करे, जैसे बैठक के प्रारंभ में ही सभी सदस्यों का स्वागत करें। बैठक का जो भी एजेंडा है उसको सभी सदस्यों के सामने रखें। अपनी बात रखते समय सभी उपस्थित लोगों की तरफ देखकर ही बात करें। चर्चा में सभी लोगों को बोलने का मौका दें। बैठक के दौरान अपने विचारों को ठीक प्रकार से सरल एवं स्पष्ट शब्दों में रखें। चर्चा का पूरा खाका तैयार करें। उठाए गए मुद्दों पर सदस्यों को संतुष्ट करने के लिए कदम उठाएं। चर्चा के दौरान किसी को बीच में नहीं टोकें। बैठक में क्या हो रहा है उसका रिकॉर्ड रखा जाना जरूरी है। इसके साथ ही बैठक के विषय से संबंधित आवश्यक कागज, फाइल, दस्तावेज और साक्ष्य आदि का रखा जाना भी आवश्यक है। प्रधान द्वारा आदेश दिए जाने पर बैठक की अधिसूचना, अनुपस्थिति, क्षमायाचना तथा पिछली बैठक के कार्यों की रिपोर्ट पेश की जानी चाहिए। बैठक के दौरान कुछ बातों का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए, जैसे वंचित एवं दलित वर्ग को बैठक में बोलने व भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना, मानव श्रम के लिए संसाधन जुटाना और धन की व्यवस्था करना, पंचायत में जो भी धन है उसका सदुपयोग करना और हर हिसाब का लेखा जोखा संभाल कर रखना, सामाजिक बुराइयों जैसे दहेज प्रथा, बाल विवाह, भ्रूण हत्या, शराब और नशे के खिलाफ लोगों को जागरूक करना, समाज सुधार की दिशा में कदम बढ़ाना, अपने क्षेत्र के जल, जंगल, जमीन के संरक्षण व संवर्धन के लिए योजना बनाना व ग्राम वासियों के साथ मिलकर इन प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा का प्रयास करना, गांव के विकास के लिए बैठक करना, आओ मिलकर काम करें, अपने पंचायत का नाम करें, मिलकर करें बैठक और हर समस्या का समाधान करें। जय हिंद, जय भारत।